नमस्कार दोस्तों, पल पल में आपका स्वागत है। आज हम प्रगतिशील किसान सौरभ के पास यहाँ पर पहुँचे हैं और आज उनसे जानेंगे कि ये परंपरागत खेती को छोड़ करके सब्जियों की खेती कर रहे हैं और काफ़ी लाभ भी कमा रहे हैं। लेकिन हम इनसे ये जानेंगे कि बार बार जो ये अलग अलग तरह की किस्मों की फसल जो है बीज रहे हैं, इसमें इनको कितना लाभ हुआ है, और दूसरे जो ज़मींदार हैं, प्रगतिशील किसान हैं, क्या उन्होंने उनसे राय ली है या फिर जो विभाग है उनसे इन्होंने जानकारी लेकर के कैसे इनके दिमाग में ये आइडिया आया। क्योंकि यहाँ आसपास में सब्जियाँ कम और ज़्यादातर झोना होता है, जिसे हम चावल कहते हैं। तो आज जानते हैं सौरभ जी से। सौरभ जी नमस्कार। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, ये जो आपने पेठे की फसल बीज रखी है, इससे पहले आप बता रहे थे कि आलू की फसल बीजी हुई थी, कितना लाभ मिला है आपको इसमें? सर आलू की खेती में मेरे को करीबन 40 से 45 हज़ार रुपये लाभ मिल चुका है प्रति एकड़ में जी। 6 महीने में या साल के अंदर? नहीं सर, वो फसल मान लो खेती है 4-4.5 महीने। ओके, आलू की ठीक है। तो उसके बाद मान लो 45 हज़ार रुपये मिला। उसके बाद जो आलू की खेती थी उसमें करीबन 60-1 हज़ार रुपये खर्चा भी है। ठीक है, तो 1-1.25 लाख में मान लो आलू की टोटल खेती पड़ जाती है अपने को, बेच बचा के जो भी है उसमें मेरे को 40 से 45 हज़ार रुपये वो लाभ मिल गया। उसके अपोजिट मैंने ये पेठे की अपने फसल लगाई है। तो इसमें पेठे की फसल में मैंने दो किस्में लगाई हैं। एक तो सर जैसे नॉर्मली आप सब्जी में पेठा यूज़ करते हैं, जो आप नॉर्मली घरों में खाते हैं, तो सर दूसरी मैंने लगाई है अपने जो मीठा पेठा होता है, जो आप मिठाई के रूप में खाते हैं। अच्छा, मिठाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है? हाँ जी सर जी। ये सर पेठे की करीबन दो किस्में, लगभग दो किस्में हैं। तो एक तो मिठाई वाला पेठा होता है सर, और एक सब्जी में जो यूज़ किया है। आप देख सकते हो सर, ये जो गोल गोल है ये थोड़ा मिठाई वाला पेठा है, और सॉरी अपने सब्जी वाला पेठा है। तो सर वो दूसरी साइड अभी उसको मैंने मान लो चालू नहीं किया वरना, तो वो करीबन अपने मिठाई वाला पेठा है। इसमें कितनी की आमदन हो जाती है? सर इसमें पेठे में आप करीबन लगा लो भी 30 से 35 हज़ार रुपये प्रॉफिट है सर, बचत है। हाँ, खर्चा निकाल करीबन इसमें सर 1 एकड़ में 1200-1300 रुपए का बीज आया सर। ओके, उसमें मैंने स्प्रे किया, 3 स्प्रे हैं सर मेरी, और स्प्रे जो किया उसमें कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा वो फंगीसाइड वगैरह बस ऐसे नॉर्मली जो स्प्रे हैं, जिसका 1 एकड़ में खर्चा करीबन 500-600 रुपए। अच्छा, एक बात बताइए कि जो फसलों के अंदर ये पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, इसका सीधा असर सेहत के ऊपर भी पड़ता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना मतलब नुकसान होता है, और आप क्या जो दवाई कंपनियां हैं ये बताती हैं कि इसका दो आपने कितना मतलब इसका इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में डालनी है? सर ऐसा है, देखो सर पेस्टिसाइड कोई भी है सर, मान लो सेहत के लिए तो हर एक पेस्टिसाइड नुकसान ही रहेगा। बिल्कुल, तो करीबन इसमें ऐसा हो जाता है सर, जैसे डोज के हिसाब से डालते हैं, ओवर डोज जो भी करेगी वो सेहत के लिए हानिकारक ही होगी। बिल्कुल, तो जो मीडियम डोज होगी वो सेहत के लिए देखो सर हानिकारक तो होती है, लेकिन वो बहुत कम आप उसको लेवल मान सकते हैं, बहुत कम लेवल का हानिकारक होता है। जैसे अब चावल हो जाएंगे, चावल पे सर कम से कम मैक्सिमम 6 से 8 से लेके स्प्रे अपने को करनी पड़ती है, और इसमें सर 2 से 3 से स्प्रे में काम हो जाता है, करीबन 4 स्प्रे इसमें कम करनी पड़ती है अपने मतलब को चावल पे। ये है कि इसमें बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट भी कम हो रहा है। हाँ जी, जो खर्चा जिसको कहते हैं। हाँ जी, वो खर्चा कम हो रहा है, खर्चा भी कम हो रहा है सर, प्रॉफिट भी बहुत, और प्रॉफिट उसके मुकाबले अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैंने ये सर शुरू से कणक की खेती मान लो छोड़ के जी आलू लगाए थे जी, आलू के ऊपर फिर मैंने पेठा लगाया। आपको कहीं से राय मिली थी या विभाग ने कहा था, कैसे आपने मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में आया? सर आइडिया ऐसा है, मेरे मामा जी दड़बी गांव में रहते हैं, केवल कृष्ण जी। ओके, तो उनका बिजनेस ही यही है, उन्होंने मान लो काफ़ी टाइम हो गया कणक की खेती छोड़े, तो वो आलू या सब्जी वगैरह हर एक किस्म की वो सब्जी लगाते हैं। तो सर उनके उनसे थोड़ी बहुत नॉलेज लेके मैंने ये कृषि का काम जो चालू किया था जी। तो आगे इस बार मेरे पास 6 एकड़ थी, लेकिन मेरे को अच्छा प्रॉफिट होने के कारण मैं आगे कम से कम 15-20 एकड़ में इसको। अच्छा, इसको बढ़ाएंगे? हाँ जी बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे सर। अच्छा सौरभ जी, एक बात बताइए कि जो किसान के बेटे आज इस समय खेती किसानी को छोड़ करके बाजार की तरफ यानी शहर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो सोचते हैं कि अगर 5,000 रुपये प्रति माह भी मिल जाए तो वो इस मेहनत वाले काम को छोड़ना चाहते हैं, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा है सर, आजकल के जो युवा है
थोड़ा मेहनत की तरफ से काफी पीछे हटते हैं, क्योंकि आप भी देख सकते हो तो गर्मी में मौसम बहुत है, तो गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो सर मान लो शहरों की तरफ इसलिए युवा जा रहे हैं कि एक तो किसी भी दुकान पे सर आराम से बैठ के जो भी अपना, वो युवा ये सोचता है सर मेरे को गर्मी से मरने के बजाय अगर मेरे को यहाँ एक महीने की 10,000 प्रॉफिट होती है तो मैं गर्मी के बजाय मैं 5,000 पे आराम से बैठ के कमाना वो संतुष्ट मानता हूँ जी। तो सर कुछ आजकल किसानों को इतनी नॉलेज भी नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, अपनी सरकार की तरफ से भी कोई अच्छी गाइडलाइन नहीं है जो किसानों को नहीं कहते हैं कि डिपार्टमेंट पूरा प्रयास कर रहा है सब्जी की खेती, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्या इसका कोई मतलब आपके पास नहीं आए कोई? सर ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत जितनी मेरे को नॉलेज है। सर ऑर्गेनिक खेती आप कणक पे ले लेते हैं जी, सर कणक की ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो अब जो ऑर्गेनिक खेती में जो अपना झाड़ आता है सर वो 35 से 40 आप लगा लो मान लो 35 से 40 मण आ जाता है। हाँ 35 से 40 मण आएगा सर जी। और आप दूसरी जो खेती करते हैं ठीक है सर, उसमें जैसे आप यूरिया या स्प्रे वगैरह अच्छी से डालते हैं, खूब डालते हैं, उसमें सर झाड़ आता है अपने 60 से लेके 70 मण तक आता है। तो जो सर 30-35 मण का जो गैप है ना सर वो किसान को ऑर्गेनिक खेती की तरफ उसको मतलब ओखा लगता है सर। ओखा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होता है। या तो सर ऑर्गेनिक खेती की अलग से एक मार्केट हो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें ऑर्गेनिक खेती की मान लो ये कणक है तो इसका प्राइस उसी हिसाब से हो जो 60-70 मण जो निकलती है औसत उसकी, उसको लेवल किया जाए, उसका बराबर किया जाए। अच्छा तो इससे पहले आपने, मैंने यहाँ देखा था कि ज्वार बीज रखी थी आपने। हाँ जी सर। वो भी इसी के 5 एकड़ के अंदर लाभ का हिस्सा है। हाँ जी वो सर ऐसा था मेरे पास 6 एकड़ मान लो आलू थे सर, मैंने 3 एकड़ में पेठा लगा दिया था, 3 एकड़ में मैंने ज्वार लगा, ज्वार बीज उसमें कोई फायदा हुआ? हाँ सर उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। और सबसे बड़ी बात वो है मक्की में सर ऐसा है किसान बहुत जल्दी फ्री हो जाता है। बिल्कुल आज मेरे को करीबन आप जान सकते हो करीबन 10-11 दिन हुआ है जो गर्मी का थोड़ा ज्यादा दौर रखा है। हाँ, और मैं मक्की 10 दिन हो गए मेरे को काट के, मैं मक्की की तरफ से बिल्कुल फ्री। हाँ बेच चुके हो? हाँ, बेच चुके हूँ बिल्कुल फ्री। ये जो खाली जमीन दिख रही है इसी में थी? खाली जमीन आपको दिख रही है, ये सारी टोटल मक्की की जमीन थी जी। हाँ इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट था इस बार, एक कनाल में सर करीबन 25 से लेके 23 क्विंटल तक निकल जाती थी चारा। हाँ चारा तो उसका करीबन रेट मैक्सिमम 200-220 ज्यादा से ज्यादा 280 रुपए तक मैंने क्विंटल के 280 प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रखा है। और मेरे को करीबन 200 जो अपन लेवल निकालते हैं 200 क्विंटल के प्रति मेरे को लेवल इसमें पड़े। चलो ठीक है, शुक्रिया सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये जैसे इसके अंदर डाल रहे हो टूटते नहीं है, ऊपर चेक रहा हूँ। आप लोग दिहाड़ी पे हो या वैसे मतलब काम करते हो यहाँ पे? पिछली बार तो यहाँ आलू की फसल थी ना?